हेलो रियो ना, सभी का स्वागत करता हूँ अपने एक नए YouTube वीडियो में। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों, जैसा सभी को पता होगा कि मैं आपको इस चैनल पर नौकरी के बारे में बताता हूँ, नए नए कंपनियों के बारे में बताता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता रहता हूँ। तो आज मैं आपको एक नई जॉब, एक नई वैकेंसी, एक नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊँगा जो कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें ITI वालों की सैलरी इसमें 21,000 है, 10th 12th वालों की सैलरी इसमें 20,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा। अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक देखा तो श्योर है कि आपको जॉब मिलेगा, जॉब बिल्कुल भी निःशुल्क रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई आप लोग वीडियो नहीं देखते, कहीं कहीं तो हमने ये भी देखी है कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते और कहते हो कि नंबर कहाँ है, जबकि नंबर मैं वीडियो के स्क्रीन पर लगा देता हूँ। तब भी हमारे कुछ ऐसे भाई हैं पूछते, इसरार भाई नंबर कहाँ है? भाई साहब, एक बार वीडियो क्लिक करके देख तो लो यार, 8 मिनट की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कंपनी तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगती है, इनको अप्रोच करने में बहुत मेहनत लगती है, इनका अप्रूवल लेने में, वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आप लोग एक वीडियो पे क्लिक नहीं करते। क्यों यार, ऐसी क्या गलती करती यार? अगर आपको नंबर भी चाहिए, आपको जॉब भी चाहिए और आप मेहनत भी नहीं करना चाहते, मेहनत भी कैसे, बस वीडियो पे क्लिक करना है। जब आप वीडियो पे क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिक नंबर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बहुत सारे वीडियो हमने स्क्रीन पर दे रखा है। और अगर स्क्रीन पर आपको नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, जहाँ पे वीडियो हमारी चल रही है इसके नीचे एरो पे क्लिक कर देना, डिस्क्रिप्शन आपका ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम जिस कंपनी के लिए बात करने वाले हैं, कंपनी का नाम है वीनस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अगर हम बात करें मारुति सुजुकी होंडा स्कूटर है ना, और मारुति सुजुकी गाड़ियों के छोटे छोटे मिनी पार्ट्स बनाती है, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे मिनी पार्ट्स बनाती है। और इसमें हायरिंग निकल कर आई है, 125 लोगों की हायरिंग इसमें है। एक हफ्ते तक इसमें लगातार हायरिंग चलेगी, उसके बाद इसमें क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो हमारे वीडियो देखेंगे, मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद वीडियो देखोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, पहले बोल देता। बाद में ये मत करना कि सरार भी आपने बताया नहीं था, मैं जो चीज़ें हैं भैया क्लियर बोल रहा हूँ अभी से। ड्यूटी टाइम देखो, इसमें 8 घंटे का भी है, 12 घंटे का भी है, जैसे आप करना हो वैसे आप कर सकते हो, 8 घंटे भी कर सकते हो और 12 घंटे भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एज क्राइटेरिया इसमें 18 से 30 है, लेकिन 32 तक चल जाएगा अगर देखने में ठीक ठाक हो तो। मैंने बहुत सारी कंपनियों से बोल के एज भी बढ़वाई है, क्योंकि यार 30 से 32 तक तो आदमी यूँ ही निकल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उन हमारे भाइयों को, जो हमारे भाई जॉब करना चाहते हैं जिनकी एज 30-32 हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर हम बात करें तो इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन इसमें है, ITI वालों की आर ट्रेड ले रहा है। ठीक है, चाहे किसी भी ट्रेड से, कोपा छोड़ के, कंप्यूटर साइंस कोपा में आता है ना, तो इसको आप छोड़ के आप किसी भी ट्रेड से हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक मैम का नंबर मिलेगा, उनसे आप बात करना। सैलरी जो होने वाली है 12 घंटे की इसमें शिफ्ट चलती है, चाहे तो आप 8 घंटे भी कर सकते हैं, अगर 8 घंटे करेंगे तो इसमें आपका जो OT चलेगा वो 60 रुपये पर घंटे चलेगा। ठीक है, ITI वालों का 60 रुपये पर घंटे और 10th 12th वालों का 55 रुपये घंटे, तो 60 रुपये घंटे के हिसाब से OT चलेगा ITI वालों का, चाहे आप 8 घंटे करो चाहे 12 घंटे करो। ठीक है, और अगर 12 घंटे आप करेंगे तो ITI वालों कैंडिडेट की जो सैलरी है CTC 21,000 है और इन हैंड उन्हें दिया जा रहा है 19,000 रुपये। ठीक है, 10th 12th वालों की सैलरी जो है 12 घंटे की वो है 20,000 रुपये CTC, इन हैंड उनको दिया जा रहा है 18,000 रुपये। ठीक है, ये 10th 12th वालों की सैलरी है, 10th 12th वालों की ठीक सैलरी है और ITI वालों की भी सैलरी ठीक है। अगर आप करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो 50,000 भी दे दो तो भी नहीं ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दूँ, इसमें जो ITI वालों की OT 60 रुपये पर घंटे के हिसाब से चलेगी और 10th 12th वालों की जो है वो 55 रुपये पर घंटे के हिसाब से OT चलेगी। 1 घंटे करोगे 55, 2 घंटे करोगे 110, तो इस हिसाब से चलेगी। इसमें कंपनी प्रोवाइड क्या कर रहा है वो भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी के फैसिलिटीज़ पे डिपेंड करती है कि कैंडिडेट कितना टाइम वहाँ पे रुक रहा है, कितना समय उनको दे रहा है। ठीक है, इसमें कंपनी आपको दे रहा है कैंटीन की भी सुविधाएँ हैं, बस भी है, ड्रेस भी है और संडे इसमें ऑफ रहता है। ठीक है, इसमें संडे ऑफ रहता है, खाने की सुविधाएँ भी हैं, जो भी उसका मील का पैसा कटता हो 10 से 12 रुपये 15 रुपये। रूम रेंट का पर कैंडिडेट 1,000 रुपीज़ लगता है, अगर आप जाओगे आपको वहाँ पे 1,000 रुपीज़ पे करना होगा, उसके बाद आपके रूम दे दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका इंक्लूड रहेगा बिजली का बिल भी, पानी का भी, सब कुछ इंक्लूड रहेगा, आपको किसी को अलग से पैसा नहीं देना। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं करेंगे, ETC डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सिर्फ देखेंगे, देखकर वापस कर जाएं, और अगर जमा करेंगे तो आप मत करना जॉब। ठीक है, सीधी से बोल देता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो डॉक्यूमेंट जमा करे,
डॉक्यूमेंट जमा करने का मतलब होता है कि आपको बांध के रखना, फिर आप कहीं किसी कंपनी में ना अप्लाई कर सकते हैं ना आप जा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर डर सा रहता है कि हमारा डॉक्यूमेंट उनके पास है। ठीक है, पहली बात तो ये डॉक्यूमेंट जमा नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें, आधार कार्ड बैंक का पासबुक, अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, जो अपने पढ़ाई किया है वो मार्कशीट लेकर आएंगे तो आपको श्योर है कि आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, इतना डॉक्यूमेंटेशन आपको लेकर आना है। और जॉब की फुल गारंटी मेरी है कि आप अगर जॉब करने की नीयत से अगर आप जाओगे तो 100% जॉब की फुल गारंटी है, और अगर नहीं करने जाओगे तो भाई कहीं नहीं कर सकते, रियली बता दो। इसमें डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, देखो प्रोडक्शन भी है, पैकिंग भी है, असेंबली भी है, हर टाइप की इसमें डिपार्टमेंट है। डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में किस फ्रेम में आप फिट होते हो, कितना अच्छा आप इंटरव्यू दे पाते हो, या फिर कितने आप टैलेंटेड हो, कितने इंटेलिजेंट हो, समझ लो कितने ज़्यादा बुद्धिमान हो, उस हिसाब से आपको फ्लोर बाय फ्लोर पे आपको ट्रांसफ़र किया जाए। कुछ हमारे ऐसे भाई हैं जो कहते हैं, इसरार भाई आप फेक वीडियो बनाते हो, इसरार भाई आपके वीडियो से जॉब नहीं मिलता। तो मैं आपको जीता जाता उदाहरण बता दूँ, अभी थोड़े दिन पहले ही बात है, आईटेल कंपनी में 25 लोगों की ज्वाइनिंग हुई, मेरे आँखों देखा हाल है, सुनी सुनाई नहीं, आँखों देखा हाल है। और आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने वीडियो भी डाली है इसरार A to Z पे। ठीक है, दूसरी बात है, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। कुछ हमारे भाई को अहमदाबाद में जॉब मिला है टाटा मोटर्स में, उनकी भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन अपने हिंदू भाई हैं। ठीक है, उनका नाम मैं जो कि ऐड कर दूंगा। और एक हमारे भाई और भी हैं, एक मुस्लिम भाई हैं, जो कि इनको बिलिंग का काम मिला है गुड़गांव के अंदर, इनका मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को श्योरिटी हो जाए कि भाई इसरार भाई जो बताते हैं वो फेक नहीं बताते। और अगर फेक बताते भी हैं तो आप मुझे प्रूफ करिए, अगर जिस दिन आपने मुझे प्रूफ कर दिया उस दिन मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, इन हैंड दूंगा सर। ठीक है, तो भाई उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मिला होगा, और जॉब भी मिलेगी। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनसे आप बात कर सकते हैं, बात करेंगे मेरा नाम बताएंगे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और हाँ, घर से निकलने से लेकर जो भी कंपनी पहुँचने तक का जो प्रॉब्लम होगा वो आपका नहीं होगा, वो HR का होगा, वो आपको बुलाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन हाँ, रूम का 1,000 रुपये आपको देना होता है। आप पहुँचे, आपने रूम 1,000 रुपये दिया, आपको रूम मिल गया, देन आपकी ज्वाइनिंग होगी, भी आप करते रहो। दूसरी बात ये मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, कंपनी देखो कोई भी बुरी नहीं होती, और ना ही कैंडिडेट बुरा होता है। अगर आप लोग कहोगे कंपनी बहुत बुरी है तो देखो यार, तालियां दोनों हाथ से बजती है। अगर कैंडिडेट बुरा हो सकता है तो कंपनी भी बुरी हो सकती है, और अगर कंपनी बुरी हो सकती है तो कैंडिडेट भी बुरा हो सकता है। ठीक है, तो तालियां दोनों हाथ से बजती हैं, इसीलिए ज़्यादा फोकस आप लोग इस पर करा करें सीखने पे। जितना ज़्यादा आप सीखने पे फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे। कभी आप पैसे के पीछे ना जाना, सैलरी के पीछे ना जाना। सैलरी ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ, हमारी लर्निंग जो है ना, लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन भाई हमने मन में ये ठान लिया कि हम कंपनी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं एज ए लर्निंग, सीखने के नीयत से कर रहे हैं, एक्सपीरियंस नीयत से कर रहे हैं, तो भाई साहब आपका जो भविष्य है ना, आपका जो फ्यूचर है वो उज्ज्वल बन जाएगा। और आप ऐसा सैलरी करोगे, ओटी करते रहो 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, तो भाई इसमें ना बस आपकी जो 70 किलो की जो वेट है ना वो कम होता रहेगा। कुछ स्मार्ट वर्क होता है जो 70 ग्राम के दिमाग से होता है, और कुछ हार्ड वर्क होता है जो 70 किलो के वजन से होता है, 70 किलो की बॉडी से होता है, लेकिन पैसे किसमें हैं, 70 जो 70 ग्राम के दिमाग से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो भाई आप लोग हमें सपोर्ट करें, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूँगा। डिस्क्रिप्शन चेक करिए, ये जो लोकेशन होने वाला है ये अहमदाबाद का लोकेशन होने वाला है, खाने की रहने की भी सुविधाएं आपको मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी, वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने भाई साहब को सपोर्ट करना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई नौकरी के साथ, रखिएगा अपना ख्याल नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।